दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप बादल सेक्टर 84 के इंटरचेंज सेक्शन में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सेक्टर 84, 89 और ये जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट पॉइंट होगा जो सीधा आपको सेक्टर 84 में इस तरीके से वहां से नीचे उतरेगा। और ये मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ, ये इंटरचेंज पॉइंट है। यहाँ पे आपका एक अंडरपास भी है, फ्लाईओवर भी है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से टर्न लेता है CTR की तरफ। और ये लेफ्ट में प्रोजेक्ट है एलान का मिरेकल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट पॉइंट होगा। ये जो आप राइट में हमारे देख पा रहे हैं, ये सीधा एग्जिट पॉइंट होगा जो यहाँ से थ्रू दिस फ्लाईओवर ये नीचे जाएगा सेक्टर 84। ये 80s की जो सेक्टर्स की बेल्ट है इनको कवर करेगा। ये अब हम आ गए हैं, ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर्स का। ये हमारे ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये एग्जिट पॉइंट होगा सेक्टर 84 के। और इसके साथ ये जो है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से टर्न लेगा टुवर्ड्स दिल्ली जयपुर हाईवे। ये NH8 की तरफ टर्न ले लिया द्वारका एक्सप्रेसवे ने। इसको मैं आपको अभी आगे भी कवर करूँगा। और ये एग्जिट पॉइंट होगा सेक्टर 84 के लिए। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये अंडरपास का काम चल रहा है जो सीधा CPR के लिए कनेक्ट होगा। दोस्तों ये मैप पे आप देखते हैं, ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है जो कि CPR से सेक्टर 88, 84, 80s की जो लाइनें कवर करेगा। इसको आज हम आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्या है इसका ये दिखाएंगे। और यहाँ पे जो ये स्टील ब्रिज है इसको कवर करेंगे। और यहाँ से जो एक्सप्रेस वे टर्न लेकर, या पिलर्स जो आप देख पा रहे हैं, इन पिलर से टर्न लेके टुवर्ड्स NH8 यहाँ से टर्न हो जाएगा। और ये अंडरपास कितना बन चुका है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इस तरीके से आगे चला जाएगा, लगभग इससे भी आगे तक हम आपके साथ आज का वीडियो शेयर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेस वे का एलिवेटेड रोड है जो अब CPR की कनेक्टिविटी, दिल्ली जयपुर हाईवे की कनेक्टिविटी को क्रॉस करेगा। और ये जो एग्जिट पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ से अगर मैं सेक्टर 84 की तरफ से आ रहा हूँ तो ये एग्जिट एंट्री पॉइंट होगा मेरा टुवर्ड CPR दिल्ली जयपुर हाईवे। अभी मैं आपको इस रोड की प्रोग्रेस आगे दिखाता हूँ, इसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। तब तक आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके नियर एंड डियर्स को भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इस पैच पे क्या प्रोग्रेस चल रही है और क्या ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है, क्या फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अंडरपास है, इसको मैं भी आपको आगे से कवर करता हूँ। लेफ्ट में पूरा आपका एलिवेटेड रोड जो हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे वाला है वो ये इधर टर्न हो गया है। ये अब सीधा CPR कनेक्टिविटी, NH8 कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ से मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और कुछ इस तरीके का इंटरचेंज होगा। ये सीधा दिल्ली से जो हमारा NH8 के लिए आ रहा है, ये सामने जो अंडरपास है सेक्टर 9, 80s का जो वाटिका ये पूरा बेल्ट है इसको कवर करेगा। और ये जो है ये एग्जिट पॉइंट होगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड से सेक्टर 84 को कनेक्ट करेगा। इस तरीके से ये पूरा इंटरचेंज होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन इस तरीके का होगा। और ये सामने आप देख पा रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे वहाँ पे सामने से आ रहा है और इधर से टर्न होके ये टुवर्ड्स CPR की तरफ अभी ये यहाँ से चला गया। ये जो आप देख रहे हैं लॉन्चर, ये आगे के बीम वर्क को कंप्लीट करने के लिए काम चल रहा है। इसके आगे का काम काफ़ी अच्छे लेवल पे, काफ़ी लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुका है। ये सामने जैपनीज प्रोजेक्ट कैंपस की का प्रोजेक्ट है
अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सीपीआर। ये देखिए यहाँ पे जो एलिवेटेड रोड जब नीचे आएगा तो उसका एक पूरा कंप्लीट हो चुका है आगे का काम। ये हमारे राइट में जो आप देख रहे हैं लैंड, इस लैंड पे प्रपोज्ड बस स्टैंड है। यहाँ पे पूरा ये ट्रांसपोर्ट जोन है, ये एरिया यहाँ पे बस स्टैंड आएगा। इस बेल्ट का जो सिटी बस सर्विस हमारी चलती है उनका बस स्टैंड होगा। ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सीपीआर। दोस्तों मैं आपके साथ अक्सर कुछ वीडियोस शेयर करता हूँ जो कि यूनिट्स के द्वारका एक्सप्रेसवे के अलग अलग प्रोजेक्ट के यूनिट्स के होते हैं। ये यूनिट्स हमारे पास अच्छी डील पे अवेलेबल होती हैं, आप इसके लिए हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपके नीड के हिसाब से हमारी कोई यूनिट है तो। यहाँ से आप देखिए दोस्तों, ये जो है ये ऑलमोस्ट काफ़ी स्पीड से काम होके यहाँ पे ऐसा लगता है काम लगभग 70-80% के आसपास कंप्लीट है काम यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे गाड़ी में चला रहा हूँ अभी, तो गाड़ी की स्पीड भी आपको दिखाता हूँ। पूरा खुला रोड है, यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट रहेगा जो आप देख पा रहे हैं, और ये हम टुवर्ड्स सीपीआर की तरफ जा रहे हैं। ये अब बहुत हार्डली 1 किलोमीटर पे अब हमारा NH8 आगे आ जाएगा, NH48 सॉरी, दिल्ली जयपुर हाईवे। आप काम देख के स्पीड देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना स्मूथ ट्रैफिक हो गया है अभी। हमारे लेफ्ट में AVL का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज सब शिफ्टेड हैं, काफ़ी फुल लग रहा है प्रोजेक्ट ये। और यहाँ पे देखिए आप गौर से देखिएगा आप यहाँ पे कितना स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, रनिंग में है। अभी ये एक साइड का रोड स्टार्ट है, दूसरी तरफ भी कंप्लीट है रोड, लेकिन अभी उधर ट्रैफिक ओपन नहीं किया हुआ है अथॉरिटीज़ ने। दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। चलिए दोस्तों आगे की डिटेल्स के लिए अगले वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।